नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपना डिफरेंशिएशन में। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता हैं तो लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स प्लस या माइनस के ऑपरेशंस और प्रोडक्ट ऑफ रूल्स। तो देखिए, हमारे पास ये तीन क्वेश्चंस हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे आज, प्रोडक्ट रूल से और सिंप्लीफिकेशन रूल से। तो आपके पास पहला क्वेश्चन में क्या है, सभी टर्म्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग है तो सिंपल सबका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया डीवाई बाई डी एक्स। तो ई के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू द पावर एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ एक्स। माइनस टू कॉन्स्टेंट है आपके पास, लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स। प्लस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स की पावर फाइव का क्या होगा, फाइव आगे और एक पावर कम। तो ये आपके पास, अगर आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर नहीं हो सकते तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन के आंसर आ गया। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों ये सिंपल है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होने चाहिए, और प्लस माइनस में है, अलग अलग है तो अलग अलग सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये सभी टर्म कैसी थी, अलग अलग और सिंगल टर्म थी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है। तो टू टर्म्स है तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कह लो या डेरिवेटिव कह लो। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, यू और वी, तो क्या करोगे आप, यू एज इट इज यानी फर्स्ट एज इट इज, पहले सेकंड का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, फिर वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स, आप इस तरह से डेरिवेटिव कर दोगे। यानी कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डी बाय डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, आप इसको किसी भी तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं हम। फर्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो ये एज इट इज, और सेकंड का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिख देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स की पावर सेवन प्लस टू एक्स और प्लस थ्री, प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस, ये तो अभी होया है सिर्फ एक ही टर्म का। सेकेंड टर्म क्या होगी आपके पास, सेकेंड में हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, सेकेंड एज इट इज, तो अब की बार क्या एज इट इज रखेंगे, हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर सेवन प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एज इट इज रहेगा। और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, अब की बार आपके पास जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको इरेज करके, तो अब क्या डेरिवेटिव हो गया आपके पास, d by dx of x square plus 5। अब सिंप्लीफाई कर दो, फॉर्मूला लिख दिया आपने, तो dy by dx is equal to x square plus 5 as it is, इसका डेरिवेटिव x की, अब देखो तीनों अलग अलग हैं तो अलग अलग पहले की तरह हो जाएगा, x की पावर 7 का हो जाएगा 7x की पावर 6, 2x का 2 as it is, x का 1 हो जाएगा, 2x का 2 बन गया आपके पास, और थ्री का हो जाएगा जीरो, तो ये खत्म है ही। फिर एक्स की पावर सेवन प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, और प्लस फाइव का हो जाएगा जीरो। सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर दो मल्टीप्लाई करके, दैट्स फाइन, करो मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपके पास सेवन एक्स की पावर एट, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर आपके पास आ गया प्लस टू एक्स स्क्वायर, फिर फाइव से करो, फाइव सेवन थर्टी फाइव, एक्स सिक्स, फाइव इंटू टू टेन, प्लस नेक्स्ट में आ जाओ, अब टू एक्स से करो, एक्स की पावर सेवन इंटू टू ही हो गया टू एक्स की पावर एट, नेक्स्ट टू एक्स और टू एक्स, फोर एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट थ्री इंटू टू सिक्स एक्स, सेम पावर इकट्ठी कर दो, क्या बन गया सेवन एक्स एट और टू एक्स एट, ये बन गया नाइन एक्स की पावर एट। सेकेंड क्या हो गया आपके पास, टू एक्स स्क्वायर सिक्स है तो पहले सिक्स कर दो, थर्टी फाइव एक्स की पावर सिक्स, फिर
फिर 2x² और 4x², ये बन गया 6x², फिर 10, 6x प्लस 10, तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट रूल से। इसी क्वेश्चन को मैं बिना प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता हूं, तो बिना प्रोडक्ट रूल से इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसी का ही अल्टरनेट में देखते हैं पहले इसी क्वेश्चन को ही। अगर सपोज करो मैं अनदर वे, इसको मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता, मुझे नहीं आता, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, x की पावर 9, नेक्स्ट 2x की पावर क्यूब, नेक्स्ट 3x², यानी पहले सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस 5x की पावर 7, प्लस 10x प्लस 15, इज इट क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया आपके पास x की पावर 9, उसके बाद 5x की पावर 7 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x² प्लस 10x प्लस 15, ये हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि जो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था तो सिंप्लीफाई नहीं करते। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो। अब नाउ डिफरेंशिएट, अब ध्यान से देखना, x की पावर 9 है तो उसका क्या आ गया, 9x की 8, 9 आगे आ जाएगा, 7 आगे आएगा तो 35x 6, 3 × 2 6x², 3 × 2 6x, 10x का 10, 15 का 0। तो आप देखोगे तो डेरिवेटिव चाहे आपने प्रोडक्ट रूल से किया चाहे आपने सिंप्लीफाई करके किया, दोनों ही केस से आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, सेम आ गया। तो मैंने प्रोडक्ट टूल से डेरिवेटिव कर लिया सिंप्लीफाई करके और बिना सिंप्लीफाई करे। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन हो जो सिंप्लीफाई हो सकता हो। जैसे सपोज करो अब की बार जो मुझे क्वेश्चन है वो ये दे दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e^x * tangent x। अब आप कैसे करोगे, क्योंकि इसका तो आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको प्रोडक्ट रूल से ही सिंप्लीफाई करना होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, वो प्रोडक्ट रूल लगा लो। प्रोडक्ट रूल आपके पास कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, तो वही यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, e की x, तो e की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e की x, तो u इंटू v रूल लगा दिया। नाउ सेपरेट, e की पावर x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square x प्लस टेंजेंट x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की x। सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है तो कर दो, e की x कॉमन, तो क्या बच गया आपके पास, secant square x प्लस टेंजेंट x, दिस इज योर आंसर। तो प्रोडक्ट रूल से हम अपने सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना दोस्तों, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं, और लेक्चर समझ में आया तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।